हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ये जो पोयम है लेजर, इसका एप्रिसिएशन करेंगे। एप्रिसिएशन 5 मार्क के लिए आता है एग्ज़ाम में और ये बहुत स्कोरिंग है। इसके लिए आपको सिर्फ 5 चीज़ें याद रखनी होती है। पहले उसका क्या याद होना चाहिए, टाइटल यानी पोयम का आपको नाम पता होना चाहिए। फिर पोएट, पोएट किसने लिखी है वो आपको पता होना चाहिए। फिर राइम स्कीम पता होनी चाहिए। फिगर ऑफ स्पीच जो जो आती है उस पोयम में वो आपको देखना होगा। और लास्ट में क्या है, थीम यानी आइडिया आपको पता होना चाहिए। पोएट अपना मैसेज किस तरह कन्वे करता है वो हमें 1 या 2 लाइन में लिखना होगा। अगर इतनी चीज़ें हमने लिख ली तो हमें पूरे 5 मार्क्स मिल जाएंगे। टाइटल, ये पोएम का टाइटल क्या है, द टाइटल ऑफ द पोएम इज लेजर। पोएट, द ब्यूटीफुल पोएम इज रिटन बाय द फेमस पोएट विलियम हेनरी डेविस। ये पोएट का नाम है जिसने ये पोयम लिखी है। और पोयम कौन सी है, लेजर। ये तो बहुत आसान है, आपने इतना लिख लिया तो समझ जाओ आपको 2 मार्क्स मिल गए। नेक्स्ट क्या है, राइम स्कीम। द राइम स्कीम ऑफ द पोयम इज AABBCCDD एंड सो ऑन। इन दिस पोयम द लास्ट वर्ड ऑफ द फर्स्ट लाइन एंड द लास्ट वर्ड ऑफ द सेकेंड लाइन इन एवरी पैराग्राफ इज राइमिंग। राइमिंग क्या होता है, जब लास्ट का जो वर्ड होता है पोएम का जो लाइन होती है उसका जो लास्ट वर्ड होता है वो वर्ड फर्स्ट लाइन का और थर्ड लाइन का एक जैसा आवाज़ निकलता है जिससे वो राइम करते हैं एक दूसरे से। इसी तरह सेकेंड लाइन और फोर्थ लाइन वो एक जैसा आवाज़ निकलता है, वो एक दूसरे से राइम करता है, उसे कहते हैं राइम। तो इस तरह हमें राइमिंग स्कीम देखना है और लिखना है पोएम में कौन कौन सी है। नेक्स्ट है फिगर ऑफ स्पीच। इन दिस पोएम द फिगर ऑफ स्पीच यूज द एलिट्रेशन पर्सोनिफिकेशन सिमिली मेटाफर रिपीटेशन एंड इंटरोगेशन। कौन कौन सी फिगर स्पीच यूज की गई वो सब हमें लिखनी है। थीम, सेंट्रल आइडिया। द पोएट ग्रेट्स दैट आज इज अ पुअर लाइफ इफ इट इज फुल ऑफ केयर्स एंड वेरीज एंड वी हैव नो टाइम टू अप्रिशिएट एंड एन्जॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर। पोएट क्या कहता है, हम एक गरीब लोग हैं, हमारा पास इतना समय नहीं है कि हम नेचर को एडमायर करें, उसको अप्रिशिएट करें। हमारे अपने ही इतने प्रॉब्लम्स है लाइफ में, हम उसमें ही उलझ रहे, तो इतना समय हमारे पास नहीं है कि हम नेचर को इन्जॉय करें और उसको अप्रिशिएट करें उसकी ब्यूटी को। ठीक है, समझ में आ गया आपको अप्रिसिएशन किस तरह लिखना है। वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।